जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि आप भी वही गलती करें, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो बहुत सालों से पैसों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता होगा कि पैसों को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है और हम अपनी ज़िंदगी में पैसों को आकर्षित नहीं कर सकते। किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहले इस नेगेटिव ब्लॉक को आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये नेगेटिव ब्लॉक आपके दिमाग में रहेगा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर आप चाहे कितनी भी वीडियोज़ देख लें, आप कभी अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं ये मान लेता हूँ कि इस नेगेटिव ब्लॉक को आपने अपने दिमाग से निकाल दिया है और अब आप 100% यकीन रखते हैं कि किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट किया जा सकता है और पैसों को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, फिर भी मैं पैसों को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं वही सबसे बड़ी गलती कर रहा था जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आपकी बात करते हैं, फिर मैं अपनी उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बताऊंगा। आप में से जितने भी लोग अपनी इच्छा को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं और विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रैक्टिस करके ही आप सही तरीके से विजुलाइजेशन कर सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो विजुलाइज तो कर लेते हैं फिर भी उनकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले मैं भी यही गलती करता था जो आप कर रहे हैं और इसीलिए मेरी मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं हो रही थी, जबकि मैं सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता था, अच्छे से विजुलाइजेशन भी करता था, लेकिन केवल एक गलती के कारण मेरी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी और जो गलती मैं कर रहा था उसे सुधारने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। तब मुझे बॉब प्रॉक्टर की एक वीडियो मिली जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप ये सोचते हैं कि केवल 10 मिनट अपनी इच्छा को विजुलाइज करने से आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बजाय आपको हर दिन हर समय अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट होते हुए देखना है और विजुलाइज करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे करना है तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने YouTube चैनल का एग्जाम्पल लूँ तो जिस YouTube चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसे भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, और मैंने केवल ये मैनिफेस्ट नहीं किया कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, बल्कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए और मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। इसके लिए मैंने स्क्रिप्टिंग और विजुलाइजेशन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। अब ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मैंने स्क्रिप्टिंग में क्या लिखा था और कैसे लिखा था, लेकिन अभी मैं आपको विजुलाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने दिमाग में विजुलाइज किया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मेरे चैनल से मेरी अर्निंग शुरू हो चुकी है, तब मैं ये गलती कर रहा था कि सुबह उठने के बाद जब मैं 10 मिनट विजुलाइज करता था कि यूट्यूब से मेरे पास पैसे आने लग गए हैं, तब दिन भर मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आते थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा परेशान रहता था कि मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही है, और यही वो सबसे बड़ी गलती है जिससे मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा था। और जब मुझे बॉब प्रॉक्टर की वो वीडियो मिली तब मैंने ये विजुलाइज करना शुरू किया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और यूट्यूब से मेरी अर्निंग शुरू हो चुकी है। अब दिन भर मैं खुश रहता था कि सच में मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मेरे पास यूट्यूब से पैसे आने लगे हैं। फिर इस बात पर मेरा ध्यान नहीं जाता था कि मेरा चैनल कब ग्रो होगा और मेरी वीडियोस कब वायरल होंगी। बिल्कुल यही काम आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में करना है। जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले जब आप अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हैं तब दिन भर आप अपनी इच्छा के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप बहुत सारे पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा कि बॉब प्रॉक्टर ने बताया है और मैंने भी अपनी लाइफ में ये सीखा है कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे हर दिन विजुलाइज करने के साथ साथ दिन भर आपको अपने दिमाग में ये बात सोचनी है कि वो चीज़ पहले से आपके पास है और आपको हर दिन वैसी ही जिंदगी जीनी है।
मैं जानता हूँ कि जब आपके पास पैसों की कमी होती है और आपको बहुत ही अर्जेंट पैसों की आवश्यकता होती है, तब ऐसा सोचना बहुत मुश्किल हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी इच्छा को तेजी से मैनिफेस्ट करने में मदद कर सकता है। आपके मन में सवाल होगा कि अगर मैं दिन भर ना सोचूं, तो क्या मेरी इच्छा कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और सही एक्शन लेते हैं, तो देर सवेर आपकी इच्छा तो मैनिफेस्ट होगी ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा तेजी से मैनिफेस्ट हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। ये सोचना आज से ही बंद कर दें कि आपकी इच्छा कैसे और कब मैनिफेस्ट होगी, बल्कि यूनिवर्स के सिग्नल को समझना शुरू करें। तब आप एग्जैक्ट तरीके से समझ सकते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि यूनिवर्स के सिग्नल को कैसे समझते हैं और आपकी इच्छा से संबंधित यूनिवर्स किस तरह के सिग्नल आपको देता है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें। इसमें मैंने यूनिवर्स के 5 तरह के सिग्नल को समझने के बारे में बताया है, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आप एफर्मेशंस लिखकर अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपको करने ही चाहिए, अपनी इच्छा को तेजी से मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हर दिन एफर्मेशंस लिखने और बोलने भी चाहिए। तो अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी ईबुक एफर्मेशंस कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। अपनी ईबुक में मैंने 40 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस टेम्पलेट्स दिए हैं। 4 तरह के एफर्मेशंस बनाना सिखाया है, एफर्मेशंस लिखने के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बताए हैं, और किसी भी एफर्मेशन में कौन से 3 एलिमेंट होने ही चाहिए ये भी बताया है। ईबुक को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।